this video we'll be seeing how to find the square of a number using digital sum. ठीक है, तो square number के square find out करने के लिए I have discussed so many tips and tricks in my earlier videos. But in this video I'll be using the concept of digital sum to find the square of a number. ठीक है, and देखिएगा how easily we can do with the help of digital sum. 54 square means 54 into 54. डिजिटल सम मीन्स क्या होता है, वी एड द डिजिट्स, तो 5 प्लस 4 इज 9. ठीक है, एंड वी ऑल्सो कॉल डिजिटल सम टू बी एलिमिनेशन ऑफ 9. ठीक है, तो 9 को एलिमिनेट कर दिया तो 0. सिमिलरली 5 प्लस 4 इज 9, वी कॉल डिजिटल सम एज एलिमिनेशन ऑफ 9, तो 0. इन माय अर्लियर वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड डिजिटल सम इन डिटेल. ठीक है, देखिएगा 0 इंटू 0 इज 0. तो द डिजिटल सम फॉर 54 स्क्वायर इज 0. तो विच विल चेक की आउट ऑफ दीज ऑप्शंस विच ऑप्शन हैज द डिजिटल सम एज 0. वी कॉल डिजिटल सम टू बी एलिमिनेशन ऑफ 9. तो सबसे पहले विल एलिमिनेट ऑल 9s. दिया 9 एलिमिनेट कर दिया और बाकी जो डिजिट्स है उसके सम निकाल लिए. 2 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 7. नाउ ऑप्शन ए हैज डिजिटल सम इज इक्वल टू 7 एंड 54 स्क्वायर का डिजिटल सम क्या है, 0. मींस ऑप्शन ए कैन नेवर बी द आंसर बिकॉज इट्स डिजिटल सम इज नॉट 0. अगर डिजिटल सम 0 है देन वी विल चेक फर्दर. मतलब अगर 0 है तो हो सकता है, लेकिन अगर 0 नहीं है तो वो ऑप्शन गारंटीड रॉन्ग है. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 9 एलिमिनेट कर दिया. 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 इज 8 प्लस 1 इज 9. 9 एलिमिनेट कर दिया तो 0. तो ऑप्शन बी जो है ये 0 आ रहा है. ऑप्शन बी कैन बी द आंसर बट श्योर नहीं है अंटिल अनलेस वी चेक सी एंड डी. 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 2 इज 8. 2 एंड 7 इज 9. ठीक है, 6 प्लस 1 इज 7. तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी. ठीक है, सी और डी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिटल सम 0 नहीं है. तो बी इज द करेक्ट आंसर. सिमिलरली देखिएगा 89 स्क्वायर निकालना है. 89 इंटू 89. ठीक है, वी नो एलिमिनेशन ऑफ 9 तो 9 एलिमिनेट कर दिया. रिमेनिंग वी हैव 8 इंटू 8. 8 इंटू 8 इज 64. ठीक है, वी अगेन जब भी एक डिजिट से ज्यादा डिजिट होता है तो वी गो टू सम द डिजिट. ये जो डिजिट्स हैं इसको सम कर देते हैं. 6 प्लस 4 इज 10. अगेन वी हैव टू डिजिट्स तो अगेन इसको सम कर देंगे. 1 प्लस 0 इज 1. मीन्स 89 का स्क्वायर का डिजिटल सम है 1. ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेक की इन ऑप्शंस व्हिच आर द ऑप्शंस दैट हैव इट्स डिजिटल सम टू बी 1 और वही जो है करेक्ट ऑप्शन होगा. देखिएगा इसमें 9 एलिमिनेट कर दिया. 7 प्लस 2 इज 9. अगेन एलिमिनेट 1. तो ये मेरा सही हो गया. नेक्स्ट 7 2 इज 9. 6 प्लस 1 इज 7. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है बट वी हैव टू चेक बी सी डी ऑल्सो कि कहीं कोई टाई नहीं है इसमें. ठीक है, 6 प्लस 3 इज 9. 8 प्लस 6 इज 14. 1 प्लस 4 इज 5. तो ये भी मेरा आंसर नहीं है. बी भी मेरा आंसर नहीं है. डी 6 एंड 3 इज 9 तो एलिमिनेट कर दिया. 7 प्लस 5 इज 12. 1 प्लस 2 इज 3. तो ये भी आंसर नहीं है. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर. टिल नाउ वी हैड सीन की ऑप्शन में टाई ब्रेकिंग रूल नहीं लगा है. ठीक है, तो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी कि टाई ब्रेकिंग रूल कैसे लगाते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल हैव टू और थ्री ऑप्शंस जिसमें कि डिजिटल सम क्वेश्चन के बराबर होगा. तो आउट ऑफ दोज टू ऑप्शंस वी हैव टू चूज एनी वन. तो इस टाई के केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं. ठीक है, देखिएगा फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ठीक है, 62 का स्क्वायर कैसे, 62 इंटू 62. सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 2 का डिजिटल सम निकालेंगे. 6 प्लस 2 इज 8. 6 प्लस 2 इज 8. तो 8 इंटू 8 करेंगे वी गेट 64. डिजिटल सम का कंसेप्ट क्या कहता है, वेन एवर वी हैव टू डिजिट्स. ठीक है, तो उन दोनों डिजिट्स का सम कर देंगे. ठीक है, तो 6 प्लस 4 इज 10. यहां पे भी दो डिजिट है इसका फिर से सम कर देंगे. 1 प्लस 0 इज 1. तो मेरा डिजिटल सम है 1. अब ऑप्शंस में चेक करते हैं कि 1 किसका किसका डिजिटल सम है. तो 4 प्लस 4 इज 8 प्लस 8 16 प्लस 3 19. 9 एलिमिनेट कर दिया तो 1 ऑप्शन ए का है. ठीक है, लेकिन अभी ये करेक्ट आंसर नहीं है. बी सी डी को भी चेक कर लेते हैं. 7 प्लस 3 इज 10 प्लस 8 इज 18. तो ये 0 हो गया. तो बी तो आंसर नहीं है भाई.
9 को एलिमिनेट कर दिया, 3 और 6 को एलिमिनेट कर दिया, 4 तो सी भी आंसर नहीं है क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 4 है और क्वेश्चन का डिजिटल सम है 1। ठीक है, नेक्स्ट वी गो टू डी। 9 एलिमिनेट हो गया, 4 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 10, इसका अगर दो डिजिट आ गया तो 1 प्लस 0 इज 1, तो अब इसका डिजिटल सम आ गया 1। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस ए एंड डी, दोनों का डिजिटल सम है 1, तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, मींस देयर इज अ टाई, तो इन केस ऑफ टाई वी हैव टू गो फॉर सम टाई ब्रेकिंग रूल्स। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल क्या है, कैसे हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिएगा 2 का स्क्वायर इज 4, वी नो 12 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, 12 12 144। ठीक है, सिमिलरली 22 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, 484। बात समझ रहे हैं, तो यहां पे एंड में 2 का स्क्वायर, कोई भी नंबर है जिसके एंड में अगर यूनिट डिजिट पे 2 है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो यूनिट डिजिट पे आता है 4। ठीक है, और सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, यहां पे सेकंड लास्ट डिजिट है 4, यहां पे सेकंड लास्ट डिजिट है 8 और ये इवन है। बात समझ रहे हैं, अगर किसी भी नंबर के एंड में 2 है उसका अगर स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो स्क्वायर के एंड में आएगा 4 और स्क्वायर का सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो रहेगा इवन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे कि इवन किसका किसका है भाई, यहां पे इसका सेकंड लास्ट डिजिट, यहां हमारे 62 का स्क्वायर निकालना है, मतलब जो नंबर है उसके यूनिट डिजिट पे 2 है, मतलब जो इसका स्क्वायर होगा उसके सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर 2 से एंड हो रहा है तो उसका सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा इवन होता है, ये हम लोग यहां से सोच सकते हैं। ठीक है, तो किसका सेकंड लास्ट डिजिट इवन है, यहां पे सेकंड लास्ट डिजिट 9 है जो कि ऑड है, तो मेरा डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि इसका सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, इवन है। बात समझ रहे हैं, तो इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस टाइप के, कि सपोज करो अगर 63 का आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर और टाई ब्रेकिंग रूल आ गया, या 53 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो टाई ब्रेकिंग रूल आ गया, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं 9, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। ठीक है, तो अगर 3 का स्क्वायर, कोई भी नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे 3 है उसका अगर स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो एंड किससे होता है, नंबर 9 से, और उसके सेकंड लास्ट डिजिट पे देखिएगा 2 भी इवन है, 6 भी इवन है, तो सेकंड लास्ट डिजिट इवन होगा। अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट पे 3 है, ठीक है, उसका अगर स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वो नंबर 9 से एंड होगा ऑलवेज और उसके सेकंड लास्ट डिजिट इवन होगा। बात समझ रहे हैं, तो हम लोग इसको टाई ब्रेकिंग रूल में लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर 64 या 54 या 94 कुछ भी है, टाई ब्रेकिंग रूल अगर आपको लगाना है तो विल चेक कि 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 14 स्क्वायर क्या होता है 196, 24 स्क्वायर इज 576। तो अगर 4 कोई नंबर एंड हो रहा है 4 से, यूनिट डिजिट पे 4 है तो उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, जो स्क्वायर आएगा वो 6 से एंड होगा, यूनिट डिजिट पे क्या होगा 6 होगा, लेकिन यहां पे डिफरेंस देखिएगा कि यहां पे सेकंड लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे टाई ब्रेकिंग रूल के लिए सेकंड लास्ट डिजिट चेक करेंगे, अगर वो नंबर 4 से एंड हो रहा है, किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे 4 है तो उसके स्क्वायर का सेकंड लास्ट डिजिट ऑलवेज क्या होगा, ऑड होगा। तो लाइक दिस 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, आप अपना भी कंसेप्ट बना सकते हैं और टाई ब्रेकिंग रूल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सम यूजिंग विच वी हैव सॉल्व बिगर सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स क्वाइट इजिली इन लेस टाइम। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।